हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। आई बिलीव कि आप लोगों का खोज का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और आप लोग बहुत उत्सुक होंगे अपने आंसर की को टैली करने के लिए और सॉल्यूशंस देखने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्यूशन, मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आपका खोज का जो भी स्कॉलरशिप बनेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है 5% का। अगर आप कोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप रजिस्टर करते हैं बिफोर 29 अक्टूबर के पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा इसमें एड ऑन 5% कर लीजिए। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप 40% आता है तो 40 नहीं, आपको 45% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। तो 50% स्कॉलरशिप अगर आप अचीव करते हैं अपने स्कोर के थ्रू तो आपको 55% ऑफर किया जाएगा, राइट? तो अपने पेरेंट्स को बताइएगा इन्फॉर्मेशन और इस ऑफर का जरूर अच्छे से फायदा उठाइएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, तो अभी हम देखेंगे खोज पेपर के सेट 1 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन क्लास 7। हाउ मेनी बीड्स शुड बी रिमूव्ड How many beads should be removed from the abacus from the 10th place in the abacus? So adjoining figure should be represent number between 420 to 410. So 100th place पे 4 beads है, but अपने को किस में से remove करने हैं? 10th place में से। 410 to 420 means 10th place पे single digit होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, but 10th place पे कितने beads है? 6 beads है। तो कितने रिमूव करने पड़ेंगे? 5, तो 1 आ जाएगा, देन नंबर बिकम्स 400 and something बन जाएगा। सो वी रिमूव 4 बीड्स फ्रॉम द 10th प्लेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए बी सी आर 3 होल नंबर्स देन a into b plus c, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। सो a मल्टीप्लाई विद b plus a multiply with c, so option b is the answer. Next, question number 3, which pair of numbers has a SCF? We want to find what is SCF, highest common factor, is not a prime number. SCF find karna hai aur wo prime number nahi hona chahiye, which is not a prime number, okay? So we will find the SCF of numbers and check the which number have the SCF which is not a prime. Suppose if we find the SCF of 60, तो 60 का सबसे पहले आप prime factorization करोगे। 60 का prime factorization कितना आता है? 60 का prime factorization 62 का आप किससे करोगे? 2 से करोगे। 30 2 से किया, 15 2 से 3 से करेंगे and after that 5 से करेंगे। So this becomes 2 square into 3 into 5. Next number is 231, so prime factorization of 231, prime factorization of 231 करेंगे, then 231 किससे हो जाएगा? 3 से 77, then 7 से करेंगे 11, so 3 into 7 into 11, so SCF of 60, 231. SCF के लिए आपको दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन फाइंड करना है, मींस दोनों में सेम कौन सा है, नंबर रिपीट भी हो सकता है। इसमें सिर्फ कॉमन 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सो SCF ऑफ 60, 231 इज 3। दिस इज प्राइम नंबर, ये अपना ऑप्शन राइट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए आंसर। नाउ वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी विच इज 15, 80। सो 15 इज इक्वल टू 3 into 5, 15 का तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज 80, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 80 किससे हो जाएगा? 82 से हो जाएगा, सो 2 से हो जाएगा कितना बन जाएगा? 40, 40 को 2 से करेंगे 20, 20 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 5,
एंड 5. सो 80 का कितना आ गया 2 टू द पावर 4 इनटू 5. कॉमन क्या है दोनों का, एससीएफ ऑफ 15, 18 कॉमन बिटवीन 15 एंड 18 इज 5 विच इज द प्राइम नंबर. तो ऑप्शन बी इज नॉट आंसर. नाउ चेकिंग द सी ऑप्शन, व्हाट इज द सी, सी इज 24. 8 3s are 24, so 2 cube into 3. Next, 26. 26. 26 is 2, 13 2s are 26. SCF of 24, 26. Kya aega common? Common between is 2 and 3. 2 bhi hai, sorry, 2 and 13, only 2. Only 2. So this is also a prime number, this is also not answer. Now we are checking the last option. Now we are checking the last option, option number B, D, which has 30 and 42. Option D, which have options 30 and 42. 30. What is 30? 6, 5 is 30. So 2 into 3 into 5. And 42, 42 is 6, 7 is 42. So 2 into 3 into 7. अब आपको SCF find करना है. SCF में आप क्या check करोगे? दोनों में common क्या है? क्या है दोनों में common? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. 2, 3 is 6. 2 is the 6. 6 is the composite number because it has factor 1, 2 and 3. And what is prime number? Which have only 2 factors, 1 and itself. So, SCF of 30, 42 is not a prime number. So, option D is the answer. Question number 4. The adjoining figure shows sum of the multiples of 6 opposable value of x. We have this figure in this 54, 12, 6, 18 and 36 in place of x, number is multiple of 6. What is multiple of 6? जो 6 की table में आए. तो देखते हैं option में से कौन सा 6 की table में आता है. जो option 6 में table में आएगा वो answer हो जाएगा. क्या 9 6 की table में आता है? नहीं. 22 आता है? नहीं. 24? Yes. 6 4 that 24. So 24 option C is the answer. 40 is not in the table of 40 or 6. 40 is not a multiple of 6. So option C, 24 is the answer. Question number 5. Which of the following figure inner has linear boundaries? What is linear? Linear means straight. So, kiski boundary straight hai? This is the circle, curved figure. Ye bhi option B mein bhi curved figure hai. But option C mein straight lines bani hui hai. So, this is the linear figure. Right? Linear figure means us figure ka jo line segment se jo edges ho, ye line segment hone chahiye. Outer parts, boundaries. इसमें सर्कल में कर्व्ड है, इसमें भी कर्व्ड है. तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं. बट ऑप्शन सी इज द आंसर बिकॉज दिस इज द लीनियर, हैज लीनियर बाउंड्रीज. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6. अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5% स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा मिलेगी. जितना भी आपका स्कोर हुआ है उससे 5% एक्स्ट्रा. अगर आपका 50% आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसमें 5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी. सो प्लीज 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करें और 5% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल. किसी भी सर्कल के अराउंड कंप्लीट डिस्टेंस क्या होता है? अराउंड ए सर्कल, अराउंड ए सर्कल मींस दिस वन, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. कि सर्कमफेरेंस के अराउंड अगर आप काउंट करोगे तो क्या मिल जाएगा? सो कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. Option C is the answer. Question number 7. The number of lines passing through 5 points such that no 3 of them are collinear. 5 points se line banani hai, collinear bhi nahi honi chahiye, to number of lines kitni hogi? Ek word aaya hai collinear. What is collinear? Collinear means points are on the same line. 3 points are same line. Means 3 points same line पे नहीं होने चाहिए. इस question में ऐसा बोला है. Collinear is points are on the same line. Check करते हैं. 5 points लेने हैं तो सबसे पहले 5 points बना देते हैं. A, B, C,
डी एंड ई। तो बी टू सी ज्वाइन किया, बी टू डी ज्वाइन किया, डी टू ई ज्वाइन किया, सी टू ई ज्वाइन किया। फोर लाइंस तो ये बन गई, ये फाइव, ये सिक्स, सिक्स लाइन बन गई। अब ए टू बी सेवन एट नाइन टेन, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? ऑप्शन ए टेन इज द आंसर। तो सेवन का आंसर आएगा ऑप्शन ए टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेंटर, सो 360 डिग्री, वी नो दैट। और अगर आपको याद नहीं तो, अगर इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ द लीन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, देन फॉर्मूला इज एन माइनस टू इंटू 180। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर वी हैव इन द क्वाड्रेंटर वी हैव फोर साइड्स, सो फोर इंटू टू इंटू 180, सो टू मल्टीप्लाई बाई 180, सो आंसर इज 360 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेंटर इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड एज, क्यूबॉइडल फिगर क्या होता है? दिस इज द क्यूबॉइडल फिगर, आपको एजेस काउंट करनी है। आपने क्रिकेट का बैट देखा हो तो उसमें एज आती है ना, तो वही वाला एज काउंट करना है कि इसमें एज कितनी होगी। सो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एज राइट। तो ये ए बी एक एज हुई, नेक्स्ट ए डी डी सी बी सी, ये टॉप से देखा, बॉटम से देखते हैं, ई एफ एफ जी जी एच ई एच, फोर प्लस फोर एट, और कौन सी बच गई सोच के देखिए। तो यहां से देखिए ए ई डी एफ सी जी एंड बी एच, दीज आर ऑल्सो एजेस। सो ए ई डी एफ सी जी एंड बी एच कितने बन गए टोटल? 12 एजेस एजेस। तो कितने किसी भी कॉलेज में कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ट्राइंगल विद दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 70 डिग्री, एंगल सी इज 80 डिग्री, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट राइट एंड ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, सो ट्राइंगल विल बी स्केलन ए, स्केलन इज द आंसर। व्हाट इज स्केलन? व्हिच हैव द ऑल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज वी नो दैट इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। If AB equal to AC, then angle B equal to angle C. We know that in the equilateral triangle, ABC, all sides are equal, so all angles are equal. 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees. Right? But scalen, all the angles are different, so option A is the answer. Question number 11. Find the value of x if minus 40 plus minus x plus 30 is equal to 0, then what will be the value of x? Given that minus 40 plus minus x plus 30 is equal to 0. Minus 40 plus minus minus, so minus x plus 30 is equal to 0. So this becomes minus 40 plus 30 minus 10 minus x is equal to 0. X को उधर भेज देते हैं तो minus 10 is equal to x. X को आपने transpose किया. So x is equal to minus 10. So option C is the answer. Value of x is minus 10. Question number 12. Which of the following is a proper fraction? Which of the following is a
proper fraction. What is proper fraction? In a proper fraction, numerator is less than denominator. Numerator denominator से छोटा होता है. तो 4/3 न्यूमरेटर इज अपर पार्ट, डिनोमिनेटर इज बॉटम पार्ट. मीन्स ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर. 4/3 इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर से ये आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी 3/4, यस दिस विल बी द आंसर बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. इन दिस 4 7/4 हो जाएगा, दिस इज नॉट आंसर. 5 to 10 11/5, दिस इज नॉट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, find the value of this. 7/9 - 4/9 + 3 = 1/3. Given that we have the value 7/9 - 4/9 + 3 = 1/3. Ye from the first take 9 as a LCM, so 7 - 4, and this becomes 3 3 = 9, 10/3, right? Convert into improper fraction. So this becomes 3/9, this becomes 10/3. 3 1 ja and 3 3 ja, so 1/3 + 10/3. 3 is the LCM, so 11/3, right? 11/3 ko, this is the improper fraction, convert it into mixed fraction because options are in the mixed fraction. So 3 3 ja 9, 2/3, 3 is to 2/3, so option D is the answer. Question number 14, 1/5 / 1/10 / 1/18. 1/5 / 1/10 / 1/18. So 1/5, this becomes 10/1 × 1/18. 5 1 ja and 5 2 ja, 2/18, so 2/18 is 1/9, so option A is the answer. Question number 15, 2.5 + 3.05 - 4.005. We have the values 2.5 + 3.05 - 4.005. सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं. 2.5 + 3.05, 2.5 + 3.05, सो दिस बिकम्स, यहां जीरो रख देते हैं, 5.55, राइट? दिस बिकम्स 2.5 + 3.05. Now subtract 4.005. 4.005 subtract करना. यहाँ पे जीरो ले लेते हैं. 10 - 5 = 5. यहाँ 4. After that 5. 1.545. 1.545. So option A is the right answer. अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप में 5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. जितने भी आपने स्कोर किया है खोज में, जो भी आपको स्कॉलरशिप मिली है उसका 5% एक्स्ट्रा मिलेगा. सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर द 29 अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? क्या दिए हुए हैं? नंबर्स दिए हुए हैं, सीक्वेंस में दिए हुए, मींस ग्रेटर लेस देन दिया हुआ है. कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. आपको पता है वो सबसे बड़ा नंबर, फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ता, जो जिसका नंबर बड़ा होगा वो नंबर वैल्यू बढ़ी. यहाँ पे भी 7 7 7, ओके. इन द सेकेंड डिजिट 4 4 4, ओके, डजंट मैटर. थर्ड 7 7 7, मींस यहाँ तक सब में सेम है. 7 4 7 7 4 7. नेक्स्ट 7 4 7 5, 7 4 5 7 6, यहां पर देखिए 7 4 7 के पास 5 6 7. इट मीन्स ये नंबर बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा ये होना चाहिए, और उससे छोटा ये होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है. दिस नंबर इज स्मॉलर, है ना, बट ये ग्रेटर दिया था. ऑप्शन ए इज नॉट आंसर. ऑप्शन बी 7 4 7 तो सब में सेम है. 7 4 7 7 4 7 7 4 7.
अब चेक करते हैं फोर डिजिट, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फाइव है, यस ये नंबर इससे बड़ा होगा, ठीक है, बट ये नंबर इससे बड़ा नहीं होगा बिकॉज फाइव इज लेस देन सेवन, सो ऑप्शन बी इज नॉट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन सी, 747, 747, 747, ओके, यहाँ पे फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन सेवन, इट इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी इज नॉट आंसर. तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी आंसर होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, 747, 747, 747, आफ्टर दैट यहां पे 765, राइट, सो दिस सीक्वेंस इज राइट, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, द प्रीडिसर ऑफ विच टू डिजिट नंबर हैज अ सिंगल डिजिट, फर्स्ट टू डिजिट नंबर इज 10, उसका प्रीडिसर, प्रीडिसर मीन्स उसके जस्ट पहले आने वाला, राइट, जैसे 8 के बाद 9 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उससे पहले, तो 10 से पहले कौन सा सिंगल डिजिट आता है, 9, उसके बाद तो 11 आ जाता है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 9 विल बी द आंसर, विच इज द प्रीडिसर ऑफ विच टू डिजिट नंबर हैज अ सिंगल डिजिट, सो 9 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फोर डिजिट नंबर, किसी भी फोर डिजिट नंबर को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे टू डिजिट नंबर को कैसे जनरलाइज करते हैं आप, 10a+b, थ्री डिजिट को कैसे लिखोगे आप, 100a+10a+b, राइट, बट अपने को तो फोर डिजिट का करना है, सो 1000a+100b+10c+d, सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 1000 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर यूनिट प्लेस, सो ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इज n, देन द वैल्यू ऑफ n, मींस सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 4, 5 या 20, सो 2 × 2 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, 5 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 × 2, 2, 3 = 6 and 6, 5 = 30. Right? We want to find the LCM of 20, 25 and 30. LCM of 20, 25, 30. Highest power देखने, 2 की power 2, 2 नहीं है, 2. So highest 2 square. Right? Next, 3 इसमें नहीं है, but 3 to the power 1. And 5 square. So 4 × 12 × 25. So 25 is 100 × 3. So answer will be 300. Option B is the answer. Next question. Question number 20. A quadrilateral has 2 diagonals, 3 angles, 4 diagonals, 4 angles, 2 diagonals, 4 angles. For this quadrilateral, quadrilateral a four-sided figure A, B, C, D is a quadrilateral which have two diagonal A to C and B to D, two diagonals and four angles, angle A, angle B, angle C and angle D. So option C is the answer. Question number 21. In this triangle, number of right triangles, we want to find the number of right triangles, kitne right triangles honge, given that angle BAC is a 90 degree, angle BAC means this angle is 90 degree, angle BAC is 90 degree, means this angle is a 90 degree, okay, and AD is perpendicular to BC, means this is 90 degree. How many right angle triangles? So first BAC is a right angle triangle. Triangle BAC. Next ADB. And last ADC. So we have 3 right angle triangle in this figure. Next 22.
अ ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्रिक कैसा क्यूब होता है, ब्रिक क्यूब नहीं होता, ब्रिक इज ए क्यूबॉइड बिकॉज वी हैव दिस शेप ऑफ ए क्यूबॉइड. ओके सो ऑप्शन बी इज द आंसर, ब्रिक इज ए क्यूबॉइड, इट हैज ए क्यूबॉइड शेप. 23, 1 by 3 is 1 by 8 of what number? 1 by 3 is 1 by 8 of which number? X into, if we find 1 by 8 of a number X, then answer is 1 by 3. So, X is equal to 8 by 3. Confused nahi hona hai? 1 by 3 वो कौन से नंबर का 1 by 8 कह रहे थे, 1 by 3 मिले, so option A is the right answer. Next, question number 24. The set of the negative numbers and whole numbers is called. Negative भी होने चाहिए और whole number भी होने चाहिए. What is whole number? 0 से start होके आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव नंबर जीरो के बाद आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे -1, -2, -3, सो ऑन. सो नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव, देन नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, डिनोटेड बाय जेड, राइट? ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 6 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. किसका ऑपोजिट पूछा है? नॉर्थ का. अगर नॉर्थ में आप इधर हो तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? साउथ. तो आप साउथ में आओगे और कितने किलोमीटर आओगे? सेम 6 किलोमीटर. सो आंसर ए इज द ऑप्शन 6 किलोमीटर साउथ बिकॉज द ऑपोजिट ऑफ द 6 किलोमीटर नॉर्थ. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. 1/2:1/3 कैलकुलेट करते हैं. 1/2:1/3 + 1/1+3/4 डिनोमिनेटर एक मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. तो 3 × 6 = 7/3 + 1/7/4 रेसिप्रोकल. सो 3/7 + 4/7. नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम इज 7, सो 3 + 4, सो 7/7, सो आंसर इज 1. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप में 5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. सो प्लीज रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ बिफोर द 29 अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वी हैव द वैल्यू 6:3/4 + 5:3/4 - 5:3/5. दिस इज आल्सो कैलकुलेटिव, सम कैलकुलेट करते हैं. वी हैव द 6:3/4 प्लस 5:3/4 - 5:3/5. 27/4 - 28/5, राइट? सबसे पहले आपने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है. नाउ टेक 4 एलसीएम, सो दिस बिकम्स 27 + 23 - 28/5. 27 + 23 = 50/4 - 28/5. Right? Take LCM. LCM is 20. So 5 × 5 = 25. 250 - 4. 28 4 करना पड़ेगा. 28 × 4. 8 × 4 = 32. 250 - 112 / 20. 250 - 112. 138 / 20. Right? Because 250 - 112 / 2, 69 / 10. So 69 / 10, 6:9/10. Option D is the answer. This is the calculation of this. Final answer is option D.
Next, which of the following decimal fraction is equal to? We want to find the decimal fraction of this. 3 by 20. It means 3 divided by 20. Simple. 3 by 20. So 3 divides by 20. Decimal 0. 20 minus 100. 25 is a 100. 100. 100. So 0.15. Option A is the answer. Next, question number 29, 1.125 multiplied by 10 to the power k is equal to 0.001125. Find the value of k. Given that 1.125 into 10 to the power k is equal to 0.001125. So 10 to the power k is equal to 0.001125 divided by 1.125. डेसिमल को रिमूव कीजिए, हटाइए और इन टेंस में ले आएंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 1125 सिक्स डिजिट, सिक्स जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? और इसमें हटाएंगे तो 1125 इंटू 1, 2, 3, 3 जीरोस कैंसल आउट, 1125 कैंसल आउट. सो फाइनल आंसर इज 1/1000 इज इक्वल टू 10 टू द पावर k. अब 1/1000 इट मीन्स 10 टू द पावर 3. 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3. सो 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3. सो k इज इक्वल टू माइनस 3. ऑप्शन बी इज द आंसर. सी अगेन, गिवन दैट वैल्यूज, डिवाइड में लेके आपने ट्रांसपोज किया, तो मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड. डेसिमल को हटाया, जिससे आप टेंस के फॉर्म में ले आए, इसमें डेसिमल हटेगा, डिनोमिनेटर में 6 डिजिट ऑफ जीरो 10 ले, और इसमें से 1000 आ जाएगा. दिस जीरोस कैंसिल आउट, 1125 कैंसिल आउट, 1/1000. सो दिस इज द 1/10 टू द पावर 3. इसका रेसिप्रोकल आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3. अब बेस सेम, सो पावर कंपेयर करेंगे, सो k इज इक्वल टू माइनस 3. ऑप्शन बी इज द आंसर. द रेशियो ऑफ 0.12 केजी एंड 180 केजी मीन्स, आपको बताना है कि 0.12 केजी और 180 ग्राम का रेशियो क्या होगा. गिवन दैट 0.12 केजी राइट एंड 180 ग्राम्स. कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 1000. सो दिस बिकम्स 120 ग्राम्स. सो रेशियो इज 120 ग्राम्स डिवाइड बाय 180 ग्राम्स. 0 कैंसिल आउट, 6 2 एंड 6 3 जा, सो रेशियो इज 2:3, बिकॉज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो मल्टीप्लाई विद 1000, सो दिस बिकम्स 120 ग्राम्स. एंड गिवन दैट 180 ग्राम्स रेशियो इज 120 डिवाइड बाय 180, 0 कैंसिल आउट, सो 12 डिवाइड बाय 18, 6 2 एंड 6 3 जा, 2:3 रेशियो. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट्स ऑफ द क्लास 7. थैंक यू.